अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों, आज का हमारा फोर्थ लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर फोर, और उसका टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर वन हमने शुरू किया हुआ है, तो चैप्टर नंबर वन में हमने पहले तीन लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके ब्रांचेस, उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, फिर हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी, उसके अलावा फिर हमने कुरान एंड बायोलॉजी अपने थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, और मुस्लिम साइंटिस्ट उनके बारे में पढ़ा। इसी की कंटिन्यूटी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो मुख्तलिफ फिनोमेनाज हैं उनको समझने के लिए, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलोज। तो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ का जो फिनोमेना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उससे पहले ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एट डिफरेंट लेवल्स पे होती है कि लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, या सादा लफ्जों में जो जानदार हैं वो बनते किस तरीके से, उनका लेवल क्या है। अमूमी तौर पर हमने 8th क्लास की जनरल साइंस के अंदर भी पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि तमाम जानदार जो हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, और फिर सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू कंबाइंस होते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो सिस्टम बन जाते हैं, तो इसी तरह मुख्तलिफ सिस्टम्स मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर इस चीज को समझेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करते हैं सेल से, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल यहां तक बात ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि सेल किस चीज से बना हुआ है, तो वो फिर हमें समझ आती है कि सेल जो है वो सेल स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स इनसे मिलकर बनता है। तो वो ऑर्गेनेल्स किससे बनती हैं, फिर उसकी मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करना जरूरी है, मॉलिक्यूल किस चीज से बनते हैं, फिर उसमें हमें एटॉमिक लेवल पे डिस्कस करना जरूरी है, फिर सब एटॉमिक लेवल। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो ये बायोलॉजिस्ट जो हैं ये वो डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करते हुए वो लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें सबसे पहला लेवल जो है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है, नंबर टू पे फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, नंबर थ्री पे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है, सेल लेवल या सेलुलर ऑर्गेनेली लेवल, नंबर फोर पे फिर टिश्यू लेवल है, नंबर फाइव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिक्स पे फिर इंडिविजुअल लेवल है, नंबर सेवन पे पॉपुलेशन लेवल है, और नंबर एट पे कम्युनिटी लेवल है। तो हम इन तमाम लेवल्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के अंदर जो सबसे पहला लेवल है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, द नंबर वन। All types of matter are made up of elements. Matter जो है मादा, जिससे ये कायनात की हर चीज बनी है, जैसे आपको पता है कि तीन forms के अंदर मौजूद होता है, solid, liquid, gas. All type of matter are made up of elements. चाहे matter solid form में है, liquid form में है, gas form में है, या तो आप फोर टाइप भी है प्लाज्मा, किसी फॉर्म के अंदर भी मैटर मौजूद है, मैटर एलिमेंट से मिलकर बनता है।
मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड देर आर अबाउट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. कुदरती तौर पर नेचुरली 92 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर. और हर एलिमेंट एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है, यानी मैटर एलिमेंट से बना है, एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना है. तो द एटम्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और जब हम एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम जो है वो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल उससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो सब पार्टिकल्स हैं. जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स के अंदर. तो एटम जो है वो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है. और ईच ऑफ दीज इज फाउंड इन डेफिनेट नंबर इन अ स्पेसिफिक एटम, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की तादाद हर एटम के अंदर डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक एटम के अंदर इनकी तादाद स्पेसिफिक होती है. अब मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं. और ये जो मैंने बताया कि 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, इसमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. यानी 92 एलिमेंट्स तो कुदरती तौर पर मौजूद है ना, जिससे मैटर बनता है और मैटर से फिर आगे हर चीज बनी हुई है. तो उन 92 एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. यानी 16 ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो एलिमेंट्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि इस 92 में से 16 जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी मास है, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं. ये जरा ऊपर एक डायग्राम है, सबसे पहले जरा हम इसको परसेंटेज देख लेते हैं. कंपोजिशन ऑफ मास बाय ऑफ बायो एलिमेंट्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें या ओवरऑल हम इसकी बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस रेशियो में, डायग्राम थोड़ी सी ब्लर आपको नजर आ रही है, बुक में जो डायग्राम आपके पास बुक है उसके अंदर ये क्लियरली हम देख सकते हैं. ये फर्ज करें कि ये ह्यूमन बींग है, तो इसके अंदर हमने देखना है कि इसकी पूरी जो बॉडी है उसमें ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है. तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमें परसेंटेज यहाँ पे नजर आ रही है वो है ऑक्सीजन की. यानी इस बायो एलिमेंट में नंबर वन पे जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है. 65% हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, बायो एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है. उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स है वो है कार्बन. 18% हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद है. कार्बन जो है वो स्ट्रक्चरल सेंट्रल एलिमेंट्स है. ये जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स और फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, सारा उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है. फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ये 10% कंपोजिशन का इस पूरी पार्ट का हिस्सा है. हाइड्रोजन के बाद फिर आ जाता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 3% जो है वो होती है. उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम 2% है. फिर फास्फोरस 1% है. और इसके अलावा कुछ अदर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 1% मौजूद होते हैं. तो इस तरीके से अगर हम इन बायो एलिमेंट्स की बात करें जो कि परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, तो इनमें से अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन इन 16 एलिमेंट्स को भी आगे हम दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं.
आउट ऑफ दीज बायरमेंट्स ओनली सिक्स यानी ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये टोटल हमारी सेल का या बॉडी का जो मास है उसका 99% जो है वो इन मेजर बायो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें पोटाशियम सल्फर क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर मैग्नीज जिंक एंड आयोडीन वगैरह ये इनको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये कलेक्टिवली 0.1% जो है वो हमारी टोटल बॉडी मास जो है वो उसका हिस्सा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लेवल जिसको हम एटॉमिक लेवल कहते हैं सब एटॉमिक लेवल जिसके अंदर फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। एलिमेंट्स 92 होते हैं और उसके अंदर फिर जो 16 जो है जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बॉडी को बनाते हैं और उन बायो एलिमेंट्स के अंदर भी हमने फिर मजीद मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स इनके बारे में पढ़ा और फिर हमने उनकी कंपोजिशन भी देखी कि कौन कौन सा एलिमेंट किस किस कंपोजिशन के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ जो नेक्स्ट लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। तो आम तौर पर हमारी बॉडी के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग मौजूद नहीं होते दे आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म रादर एटम्स ऑफ डिफरेंट बायो एलिमेंट्स कंबाइंस थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह एटम्स और या डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट बायो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं आयनिक बॉन्ड के जरिए भी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी ये मौजूद होते हैं। स्टेबल पार्टिकल फॉर्म द बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक स्टेबल पोजिशन में आ जाए स्टेबल फॉर्म में आ जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये नेक्स्ट लेवल आ जाता है मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स चाहे वो आयनिक बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन हो या फिर वो इसके जरिए हो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए तो वो फिर बना देते हैं मॉलिक्यूल। बायो एलिमेंट्स शेयर देयर एटम्स इन मेकिंग बायो मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स लाइफ। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर फिर ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है इनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स तो ये मिलकर थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर बना लेते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बिल्डिंग मटेरियल्स देमसेल्फ कंस्ट्रक्ट इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। ठीक है तो इनकी जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर बड़ी वेरिएशन होती है। तो बायो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन इनॉर्मस नंबर तो इनको हम आगे फिर दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर देते हैं। एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विद हैव लो मॉलिक्यूलर वेट लाइक ग्लूकोज वाटर एटसेट्रा और दूसरी जो टाइप है मॉलिक्यूल्स की वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विद आर हायर मॉलिक्यूलर वेट जिसके अंदर फॉर एग्जांपल स्टार्च प्रोटीन्स लिपिड्स तो ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा तादाद जो है डिफरेंट फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है तो उसको भी मॉलिक्यूलर लेवल को भी हमने दो कैटेगरीज के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये फिर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली लेवल या सेल लेवल यानी ये जो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर इनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं तो दे आर एसोसिएटेड इन पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स। ये बायो मॉलिक्यूल्स फिर आपस में एक खास तरीके से एसोसिएट करते हैं कंबाइन होते हैं और ये फिर ऑर्गेनेली बना देते हैं। सेल के जो पार्ट्स हैं ना जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज इनको हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और ये जो ऑर्गेनेल्स हैं दे आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल का ये पार्ट है
एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल आर फॉर्म, और जब ये सारे ऑर्गेनेलिस आपस में बनते जाते हैं, एक जगह पे मौजूद हो जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनेलिस असेंबल्ड होकर सेल बना देते हैं। सो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और हर ऑर्गेनेलिस स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, और इसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन करना होता है, एनर्जी बनाना होता है। इसी तरह एक और सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल आर कंप्लीट बाय द स्ट्रक्चर, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो इस सारी सूरत हाल को हम अगर हम इसको इस पूरी चीज को अगर हम कंक्लूड करें ऑर्गेनेली लेवल और सेलुलर लेवल का, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनेलिस, हर ऑर्गेनेलिस स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और ये सारे मिलकर फिर वो सेल बना देते हैं। तो एक सेल के अंदर जो डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर्स है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है इसका रेस्पिरेशन करना, एनर्जी बनाना, इसका राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना, तो इस तरीके से ये डिवीजन लेबर हो जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है, न्यूक्लियस का ये फंक्शन है, ओवरऑल ये सेल के अंदर सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। सो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। तो ये एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मिलकर एक सेल बना देती हैं, और सेल फिर मिलकर अगले नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाते हैं जिसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। अच्छा, अभी इसमें टिश्यू लेवल में जाने से पहले, इन द केस ऑफ प्रोक्रियोट्स आर मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, जो तो हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो उनके अंदर तो बस इसके आगे फिर लेवल नहीं है, सेल ही सिंपल होता है, सेलुलर लेवल तक ही उनकी लेवल होती है, तो क्योंकि उनके आगे सेल के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, तो उनकी लाइफ बस यहीं तक मुकम्मल हो जाती है, तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह के। लेकिन जो यूकैरियोट जिन्हें हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी फिर सेल से आगे को मल्टीपल सेल्स मौजूद होते हैं, और वो स्पेसिफिक सेल्स फिर कंबाइन होकर टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं, फिर अब ये जो यूकैरियोट सेल के अंदर जो है ये इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब नेक्स्ट लेवल जो है वो सेल के बाद शुरू होता है। तो सेल जो है दे आर कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यूज, तो नेक्स्ट जो लेवल है वो उसको हम टिश्यू लेवल का नाम देते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो जो सिमिलर सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स मीन जो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, उनको हम सिमिलर सेल कहते हैं। तो वो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स की सूरत में, और वो जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज, तो वो टिश्यू बना देते हैं। तो वी कैन डिफाइन अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि जो सेम काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जिनका फंक्शन कॉमन होता है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस, यानी हर सेल के अंदर, हर टिश्यू के अंदर जितने भी सेल हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट आल्सो कैरी अ सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज। देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि हर स्पेसिफिक सेल जो है जिसका फंक्शन सेम है वो आपस में कंबाइन होंगे तो वो टिश्यूज बना देंगे। फिर इस तरीके से डिफरेंट टिश्यूज, हर एक टिश्यू का फंक्शन डिफरेंट होगा, यानी सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे, और आगे फिर टिश्यूज के जो ओवरऑल फंक्शंस होंगे उस हिसाब से हम टिश्यूज को भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज are present like epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. Epithelial tissue act as the covering and glandular tissues. Yani epithelial tissues ka hamari body ke andar kya kaam hota hai ki ye hamari body ki skin ya jo outer covering hai ye usko banate hain, glandular tissues. Aur connective tissues jo hain ye connection ka kaam karte hain, supporting tissues jise hum kehte hain, hamari body ke jo different organs, parts, tissues usko connect karte hain. Isi tarah nervous tissues jo hain wo messages conduct karte hain एंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट तक, बॉडी पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल, यानी कम्युनिकेशन का काम करते हैं। और इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज जो हैं
दे एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग टिश्यू, यानी ये मसल टिश्यू बोन्स और ये कॉन्ट्रैक्शंस का और मूवमेंट का इसका सारा ये फंक्शन करते हैं. सो देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. और इनके मैंने आपको अलग अलग से फंक्शन बता दिया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, नर्वस टिश्यू क्या काम करता है, मस्कुलर. हर अब ये स्पेसिफिक टिश्यूज जो हैं ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है ये इनका जो ओवरऑल फंक्शन है ये उस सेल से मिलकर बने हुए हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं, और सेम इसी तरह कनेक्टिव नर्वस टिश्यूज. तो ये जो लेवल है जिसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक कंबाइन ऑफ सेल्स आर कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, तो ये टिश्यू लेवल हो गया. अब टिश्यू लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन लेवल, और उसके बाद है सिस्टम लेवल. तो अब ये जो टिश्यूज हैं स्पेसिफिक सर्टन काइंड ऑफ टिश्यूज इन हायर मल्टीसेलर और ऑर्गेनिजम्स, ये जो टिश्यूज हैं पर्टिकुलरली इन एनिमल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड द फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन. तो फिर हायर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए या प्लांट्स हो गए, इनके अंदर फिर ये एक या एक से ज्यादा जो टिश्यूज हैं ये आपस में कंबाइन होके जिनका फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होता है, तो ये मिलकर एक यूनिट बना देते हैं ये सारे टिश्यूज, और उस यूनिट को, उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं. डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. अब एक ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है, हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन वो ओवरऑल मिलकर जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे सारे टिश्यूज, वो उस ऑर्गन के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और वो ओवरऑल फंक्शन जो है वो उस ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बात को मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं, तो जैसे मिसाल के तौर पर स्टमक जो है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्टमक बेसिकली स्पेशलाइज्ड पार्ट है, ऑर्गन है जिसका काम डाइजेशन का करना होता है, प्रोटीन्स, फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी हमारा फूड मटेरियल है, फूड को स्टोर भी करता है और उसको डाइजेस्ट भी करता है. तो टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज, अब दो मेजर टिश्यूज जो हैं वो मिलकर इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गन को वो कंप्लीट करते हैं. जैसे एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, एंड मस्कुलर टिश्यूज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स, ऑफ ग्राइंडिंग फूड, मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स with the food and moving food to the posterior end. तो ये सारे मिलकर जो है वो इस स्टमक, ये जो ऑर्गन है इसको कंबाइन करेंगे, यानी स्टमक को बनाएंगे. सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक, अब यानी इस ऑर्गन स्टमक को कंप्लीट करने के लिए दो डिफरेंट टिश्यूज, यानी ये एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कौन सा था, मस्कुलर टिश्यू, अब ये दोनों मिले अपने अपने फंक्शन के साथ मिलकर इन्होंने ओवरऑल एक ऑर्गन बना दिया जिसे हम स्टमक कहते हैं. अब स्टमक के अंदर ओवरऑल ये एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं इसके भी फंक्शन हो रहे होंगे, और ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं इसके भी फंक्शन हो रहे होंगे, और ये मिलकर कंबाइन ऑर्गन जो है स्टमक इसके फंक्शन कर रहे होंगे, विच आर कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक. तो जब ये दोनों के फंक्शन कंबाइन होंगे तो ओवरऑल फिर ये किसके फंक्शन बन जाएगा, स्टमक का फंक्शन बन जाएगा. तो टिश्यूज जो हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स एज कंपेयर्ड टू द एनिमल्स, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इन एनिमल इज एसोसिएटेड विद फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज देन इन द प्लांट्स. तो अब ये ऑर्गन जो हैं वो मिलकर सिस्टम बना देते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है सिस्टम लेवल का, देयर आर मेनी डिफरेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट, जैसे नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा आपने और देयर आर मेनी डिफरेंट सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, यानी एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देयर आर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल इज प्रेजेंस एसोसिएटेड, जबकि प्लांट्स के अंदर जो है ये सिंपल है, दो तरह के सिस्टम,
रूट सिस्टम और शूट सिस्टम वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया कि ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बना देते हैं सिस्टम्स, और सिस्टम ओवरऑल सिस्टम मिलकर फिर वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल आ जाएगा वो इंडिविजुअल लेवल आएगा, तो नेक्स्ट लेवल इज नोन एज इंडिविजुअल लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं या एनिमल्स के अंदर बात करते हैं, तो ये ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म आ इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, और इन ऑर्गेनिज्म वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज इन सच ए वे दैट ऑल फंक्शंस प्रोसेस एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। यानी ये तमाम ऑर्गन्स और सिस्टम आपस में, फंक्शन हर एक का डिफरेंट होगा लेकिन आपस में ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे, और कोऑर्डिनेशन करके ये ओवरऑल उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। यानी ओवरऑल ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर, यानी इस बात को मैं मिसाल से अगर आपको एक्सप्लेन करूं, अ मैन इज एंगेज्ड इन कंटीन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो दे आर इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, एक्सेलरेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू फूड मसल्स व्हिच दे नीड टू द कंटीन्यूअस वर्क। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या हम भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, या हम कोई गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी तरफ बॉल आ रही है तो आपने उसको कैच करना है। ठीक है ना, तो अब बॉल को कैच करने के लिए बजाय क्या है कि उसमें अब आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी करेगी। सबसे पहले तो यह है कि आपने उस बॉल को देखना है, तो उसके लिए आपका आंखें जो हैं वो काम करेंगी। अच्छा, फिर आपने उस बॉल की डायरेक्शन में भागना है, तो आपके लेग के मसल्स या आपके जो मस्कुलर सिस्टम है वो उसको आपको सपोर्ट करेंगे। फिर आप उस बॉल के नीचे आएंगे और उसके साथ ही आप अपने हाथों के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे। जब ये आप सारा प्रोसेस कर रहे होंगे तो साथ ही आपकी हार्ट बीट जो है वो भी तेज हो गई होगी। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी फास्ट हो जाएगा। यानी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम ऑर्गन्स हैं दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रابطे में हो जाएंगे। फंक्शन हर एक का अपना अपना होगा, जब वो एज ए यूनिट के तौर पर काम करेंगे तो देन यू फाइनली अचीव द टास्क, आप उस बॉल को पकड़ लेंगे। तो बजायर तो देखना, बॉल को पकड़ने के लिए आप बजायर तो ये कहेंगे ना कि हाथों से हमने बॉल को पकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर आपके बॉडी के तमाम सिस्टम, तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव हुए, हर एक का अपना अपना फंक्शन था लेकिन एक दूसरे के साथ वो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेशन करके इस सिस्टम को परफॉर्म, इस टास्क को जो है वो परफॉर्म किया। तो एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर ये तमाम जो सिस्टम्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन होती है इनकी, और आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ जो है वो इस पूरे टास्क को अचीव करते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल के अंदर एक नोट है कि इन एनिमल्स रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स, व्हाइल इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोन्स। यानी यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा चीज बताने वाली वो ये है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स की, हाथों की, हार्ट की और आईज की, ये सारी कोऑर्डिनेशन इसको अचीव करता है एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम अचीव करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सारी चीजें इसको सारी टास्क को अचीव करती हैं, जबकि प्लांट्स और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर सिंपली उन्होंने कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो सारी कोऑर्डिनेशन को उनके सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। ओनली हार्मोन्स आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव एनी टास्क इन द प्लांट्स। सो ये इंडिविजुअल लेवल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है बच्चों वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर द स्टडी इंटरेक्ट अमंग द इंटरेक्शंस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो फिर आप पॉपुलेशन लेवल पे भी जाते हैं। अब जब साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो फिर जो सेम काइंड ऑफ
सेम स्पीशीज होते हैं जो एक किसी भी हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिस्ट हैं वो फिर उस पॉपुलेशन लेवल को भी स्टडी करते हैं। तो जिसको हम पॉपुलेशन, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज आर इंडिविजुअल्स आर मेड लिव इन द सेम एरिया, सेम हैबिटेट, इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ पॉपुलेशन, तो इसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। इसी यानी पॉपुलेशन क्या है कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह पे रह रहे हो, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस इन 2002, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास इन सेमेस्टर 2008, यानी एक खेत है राइस का, तो उसके अंदर हम अगर पॉपुलेशन लेवल की बात करें कि उसके अंदर टोटल रैट्स चूहे कितने हैं जो उसको डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर लोग कितने, इंसान कितने बस रहे हैं, तो हम सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट के अंदर जो है वो लाइंस कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, तो उस जो टोटल जो सेम काइंड ऑफ स्पीशीज है, जब हम उनको काउंट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, तो वो फिर पॉपुलेशन लेवल आ जाएगा। तो पॉपुलेशन लेवल जो है बायोलॉजिस्ट के अंदर स्टडी लाइफ इन अ नंबर ऑफ न्यू पैरामीटर्स। ठीक है, तो कैन नॉट बी कंसीडरिंग एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल, फॉर एग्जांपल जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, जीन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। तो यानी पॉपुलेशन लेवल को डिस्कस करने के लिए साइंटिस्ट हैं वो आगे मजीद जो ये डिफरेंट ये जो लेवल्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने स्टडी करना होता है, जैसे फ्रिक्वेंसी जीन है, फ्लो जीन है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है एटसेट्रा, वो भी एक पॉपुलेशन लेवल के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। तो ये सारी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हैं बायोलॉजिस्ट के लिए जब वो एक पॉपुलेशन लेवल पे किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी लेवल है। कम्युनिटी इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद द सेम एनवायरमेंट। A forest may be considered as the community that includes different plant species like oak trees, ash trees, etc. So, जब आप किसी भी एक certain place के अंदर किसी भी organisms को जब आप study करते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पे एक तरह के जानदार तो नहीं होते, मुख्तलिफ इकसाम की populations रह रही होती हैं। तो जो different kinds of population किसी एक certain area environment के अंदर जब वो मौजूद होती हैं और आपस में interact करती हैं, तो उनकी जो overall study है वो community level कहलाता है, ठीक है, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। यानी एक जंगल के अंदर आप ट्रीज की, प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होंगी, एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट वेरिएशन होगी, लाइन भी होगा, टाइगर भी होगा, प्लांट एलिफेंट्स भी होंगे वहाँ पे, डियर्स भी होंगे, यानी हर्बीवोर्स, कैर्निवोर, हर तरह के वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की मौजूद होगी। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन एक जगह पर मौजूद होगी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकता है, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं, तो जब कम्युनिटी लेवल के अंदर आप फिर उसके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस हैं, जब आप उनको स्टडी करोगे, तो वो फिर कम्युनिटी लेवल कहलाएगा। कम्युनिटी लेवल के अंदर फिर ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी भी है। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स लाइक फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी में भी सिंपल विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। यानी कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर, यानी एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है मुख्तलिफ काइंड ऑफ पॉपुलेशन की, तो वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाएगी। सिंपल कम्युनिटी के अंदर नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सिंपल कम्युनिटी के अंदर बहुत चंद, बहुत थोड़ी मिकदार में, चंद तादाद में सिंपल रेशियो है, साइज है पॉपुलेशन का, तो वो रह रही हो, उसके अंदर भी अगर आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं या कोई भी हार्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो वो उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है डाल सकते। तो सिंपल जो काइंड ऑफ पॉपुलेशन हैं जिसमें इतनी वेरिएशन नहीं होती, तो वो सिंपल कम्युनिटी कहलाता है। तो फिर इसके बाद कम्युनिटी लेवल के बाद फिर बायोस्फीयर लेवल आ जाता है। आखिरी जो लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। तो बायोस्फीयर लेवल क्या है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। यानी जमीन का वो तमाम हिस्सा, यानी इसको हम सादा लफ्जों में ये कहते हैं कि समंदर की गहराई से लेके माउंट एवरेस्ट की चोटी तक, नीचे से ऊपर तक, जहां जहां जो भी जानदार जिस लेवल पे भी मौजूद है, उसको ओवरऑल जो उसका इंट्रैक्शन है
उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, यानी इस जमीन के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं, चाहे वो पानी के अंदर मौजूद हैं, डेजर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, जिस जगह पे भी मौजूद है, तो इसको ओवरऑल हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो कि हमने डिफरेंट लेवल स्टडी किए, दैट कम्स फ्रॉम सिंपल टू सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, और फिर आगे हम पढ़ते गए और इसको हमने फिर सिंपल बायोस्फीयर लेवल तक का। तो जब साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, इन डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करते हैं तो वन बाय वन करके, तो फिर एट द एंड उनको फिर ये चीज लाइफ का जो फिनोमेना है, लाइफ के बारे में उनको मजीद समझने के लिए आसानी होगी, या सादा लफ्जों में कि वो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको जानने के लिए उनको आसानी हो जाती है कि वो किस तरीके से इन लेवल्स को स्टडी करते हुए फिर वो देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बने और फिर उनका इंटरेक्ट कैसा है, और फिर ओवरऑल वो फिर बायोस्फीयर लेवल के अंदर इस मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं जमीन के ऊपर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अच्छा जी, इसी की कंटिन्यूटी के अंदर एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस के द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स, यानी हम पांच किंगडम के अंदर उनको तकसीम करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बेसिकली तो ये सारे सेल से बने हैं, तो सेल जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स, ठीक है ना। और इसमें फिर अगर हम उसके काउंट के हिसाब से करें तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं वो सिंपल सेल्स हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस या ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के बहुत ही सिंपल सेल होते हैं। यूकैरियोट सेल्स जो हैं वो उनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, तमाम ऑर्गेनाइज मौजूद होती हैं, तो वो सेलुलर लेवल हो जाता है। फिर इसके अंदर फिर आगे यूनिसेलुलर और मल्टी, यूनिसेलुलर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो दैट गोज ऑफ मोर देन वन सेल्स। तो फिर इसके अंदर मल्टी सेलुलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर फिर आपको पता है कि अभी जो हमने पढ़ा कि वो सेल फिर टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और पूरा इंडिविजुअल बना लेते हैं, तो जिसके अंदर हमने फिर प्लांट्स और एनिमल्स की भी एग्जाम्पल दी। तो अगर हम प्लांट्स में देखें तो मस्टर्ड प्लांट है, उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू, सिस्टम मौजूद होते हैं। एनिमल्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि वो सेल्स जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, सॉरी सेल टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, जो कि सिंपल स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक, और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक। So this is about the level of organization in life and cellular level of organization, cellular level of organization of life. So हमारा इस first chapter का ये जो आखिरी topic था level of organization, वो आज हमने मुकम्मल कर लिया। Next lecture में हम अपना chapter number 2 जो है वो शुरू करेंगे, उस chapter का जो है वो title होगा solving a biological problem, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर ये जो टॉपिक चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक था, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, आप इसको समझ सकेंगे, और इसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।